हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास सिक्स के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना फिफ्थ चैप्टर, जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था कि जितने भी मटीरियल्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको क्या कर रहे थे हम? ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे या क्लासिफाई कर रहे थे। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि वर्गीकरण क्या होता है, जब सिमिलर चीजों को हम क्या करेंगे, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जिनके फंक्शन यानी कार्य सेम है, उनको क्या किया जाएगा, एक ग्रुप में रखा जाएगा, एक समूह में रखा जाएगा। और वो समूह क्या करता है, हमें पढ़ने में आसानी देता है, साथ साथ क्या करता है, कन्वीनियंस हमारी जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, यानी कोई भी चीज को समझने के लिए अगर हमें उस ग्रुप को पढ़ना है तो एक सामान्य आइडिया मिल जाता है हमें उस ग्रुप के बारे में। ये सब हमने पढ़ा था, यानी हम चीजों को क्या कर रहे थे, अलग अलग क्लासिफाई कर रहे थे, या हम बोल रहे थे कि उनका ग्रुप बना रहे थे। अभी साइंस में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं अलग अलग, फिर क्या करते हैं, उनको मिलाते हैं आपस में, और फिर दोबारा क्या करेंगे, मिला करके हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, फिर से हम उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो साइंस में क्या कहा मैंने कि पहले चीजों को मिलाएंगे, फिर देखेंगे कि मिलाने पर क्या होगा, मिक्सचर जो होता है वो बनाया जाएगा, यानी मिश्रण बनाया जाएगा, उनका सॉल्यूशन बनाए जाएंगे, और बाद में फिर क्या किया जाएगा, उन्हीं सॉल्यूशन को अलग अलग मेथड से, उन्हीं मिक्सचर्स को क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। तो हमारा फिफ्थ चैप्टर यही है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, या हम क्या कहते हैं, पदार्थों का पृथककरण। पदार्थों को क्या करेंगे, पृथककरण मतलब उनको अलग अलग किया जाएगा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटीरियल। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। क्या होता है, नॉर्मल आपका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे चाय बनाई जाती है और उसको बाद में क्या किया जाता है, जब उसको सर्व किया जाता है या पीने के लिए निकाला जाता है, तो उसको आपको जो छन्नी होती है उसकी सहायता से क्या किया जाता है, छाना जाता है, जिससे कि उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जिससे टी लीव्स के, चाय की पत्ती के जो उसमें ठोस पार्टिकल्स हैं, उनको अलग किया जाता है छन्नी की मदद से। तो उससे क्या होता है, जो सॉलिड वाला पार्ट रहता है टी लीव्स का, वो ऊपर रह जाता है और बाकी जो चाय होती है जो पीने योग्य है, वो नीचे हमारा वेसल में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सेपरेशन का एक मेथड है। हम क्या कर रहे हैं, चाय की पत्ती को चाय से अलग कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम कई एग्जांपल्स देखते हैं डेली लाइफ में, जैसे दही है आपके पास, उससे क्या किया जाता है, मक्खन निकाला जाता है। तो दही से मक्खन निकालना, ये भी क्या है, सेपरेशन का एक मेथड है। ठीक है, और क्या किया जाता है, जैसे चलनी की मदद से, चलनी या छलनी जो भी कहते हैं, सीव जिसे कहा जाता है, उसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग, आटे को छानते हैं। या फिर ऐसे ही कई अलग अलग सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है, छाना जाता है, जैसे रेत को पत्थर से अलग किया जाता है। जैसे रेत में अगर कोई पत्थर के कण हैं, टुकड़े हैं, तो उनको अलग किया जाता है सीव की मदद से। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेथड है सेपरेशन के। तो सेपरेशन क्या हो गया, आपके पास कोई तो मिक्सचर था। मिक्सचर क्या होता है आपका, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिली हुई होती हैं, तो जो उनका ग्रुप बनता है एक, वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। जैसे आपने नॉर्मल मिक्सचर वाली वो नमकीन सुनी होगी, तो उसमें क्या होता है, उसमें नट्स भी होती है, मूंगफली भी होती है, दाल भी होती है, उसमें सेव भी होती है, तो वो मिक्सचर है एक तरह का। ठीक है, तो उस मिक्सचर में से क्या करेंगे, सारी चीजों को अलग करेंगे। तो मिक्सचर क्या हो गया आपका, दो या दो से ज्यादा अधिक पदार्थों का क्या है, एक, जब वो संयोग होगा, वो किसी भी अनुपात में मिले हुए हो सकते हैं। ठीक है, वो होमोजीनस भी हो सकता है, हेटरोजीनस भी हो सकता है, यानी समांग मिश्रण भी हो सकता है, जैसे आपने चीनी और पानी के घोल का बोला, और विसमांग भी हो सकता है, जहां पर आप बोल रहे हैं कि दाल या चावल के साथ कुछ पत्थर के कण भी आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मिक्सचर के दो टाइप हो गए। अब हम इसी मिक्सचर को, चीनी और पानी के घोल को अलग अलग करेंगे। ठीक है, ऐसे नॉर्मल आप कहेंगे कि चीनी तो घुल गई है पानी में, तो उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, चीनी और पानी को अलग, यानी कि अगर चावल है उसमें पत्थर के कुछ कण आ गए हैं, या दाल और चावल को आपस में मिक्स कर दिया है, तो उनको सेपरेट करना, यानी अलग अलग
करना है, यही है सेपरेशन। ओके, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क व्हाइल हार्वेस्टिंग, मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हम क्या देखते हैं, जो ग्रेन होता है, जितना भी अनाज होता है, जब वो क्या हो जाता है, उसको ईल कराया जाता है, क्रॉप हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा, क्या किया जाता है, प्रोडक्शन करवाया जाता है, खेत में फसल उग जाती है, जब फसल पक जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है, जो अनाज होता है उसको भूसे से अलग किया जाता है, या लीव जो पूरा प्लांट है उससे अनाज को अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सेपरेशन है एक तरह का। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं की जो बाली होती है उससे गेहूं के बीज को अलग करना, ठीक है, धान हो गया, धान को उसकी बाली से अलग करना, ओके, ये सब क्या है, सेपरेशन है। और क्या किया जाता है, जैसे दूध से दही बनाया जाता है और दही से फिर क्या किया जाता है, मक्खन बनता है, तो चर्न किया जाता है, दही को क्या किया जाता है, चर्न किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन आप बाद में एक टर्म पढ़ेंगे, उस विधि के द्वारा फिर क्या करेंगे, दही से मक्खन को अलग किया जाता है। और साथ ही साथ जब आप फाइबर्स पढ़ रहे थे तो आपने क्या पढ़ा था कि कॉटन जो होता है फाइबर, वो कॉटन सीड में प्रेजेंट होता है, उसके बीज में प्रेजेंट होता है, और उससे कॉटन को सेपरेट करना, फाइबर को अलग करना, जिसे आपने गिनिंग कहा था, तो गिनिंग एक सेपरेशन टेक्निक थी जहां पर आप फाइबर को अलग कर रहे थे। तो ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, पृथक्करण में, यानी अलग करने की विधि, आप अलग कर रहे हैं चीजों को उनके मूल रूप से, या फिर दो चीजों को अलग अलग विभाजित कर रहे हैं या पृथक कर रहे हैं दूसरे से। ठीक है, तो ये मेथड, ये टेक्निक्स हमारी डेली लाइफ में भी यूज होती हैं और ये हमको हेल्प करती हैं अलग अलग काम करने में। ओके, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटीरियल्स, दीज मे बी सॉलिड लिक्विड्स और इवन गैसेस, सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टूगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हम क्या कह रहे हैं, एक तो उनका साइज अलग हो सकता है, सेपरेशन के लिए जब हम कहते हैं कि हम अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमने क्या कहा, चाय को हम चाय की पत्ती से अलग करने के लिए छानने की विधि का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं जब हम क्या कर रहे हैं, दही से मक्खन बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको चर्न कर रहे हैं। ठीक है, कॉटन को हम जब सीड से अलग कर रहे हैं तो गिनिंग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग टेक्निक्स का, अलग अलग मेथड्स का, यानी अलग अलग विधियों का हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं सेपरेशन के लिए। ओके, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो अलग अलग चीजों से बना हुआ हो सकता है, उसका साइज अलग हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं, और इसी के कारण हम क्या करेंगे, अलग अलग मेथड यूज करेंगे अलग अलग मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ओके, मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन में क्या है, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टूगेदर, यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बींग यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज। मेथड क्या है, अब वो विधियां हैं जिन विधियों से आप चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, कौन सी विधि, जैसे आपने छानने की विधि का प्रयोग किया, चालन विधि का प्रयोग किया जो छानने में ही आता है आपका, चर्न किया आपने, और क्या किया, विनोइंग करेंगे आप, थ्रेसिंग करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, विधियां हैं जिनके द्वारा क्या किया जाएगा, मिक्सचर को या मिश्रण को पृथक किया जाएगा। ओके, तो आपका सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग या हस्त चयन भी इसको कहा जाता है। हैंड पिकिंग क्या है, आप देखते हैं कि जब मम्मी खाना बनाती है आपकी घरों में तो क्या करती है, सबसे पहले जैसे दाल है तो उसमें से कंकड़ पत्थर जो भी अनडिजायरेबल चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए दाल में, उनको क्या करेंगी, हाथ से उठा करके साइड करेंगी। ठीक है, या चावल को क्या करेंगी, साफ करेंगी, तो उसमें भी क्या करती हैं, एक एक चीज को उठा करके अलग करेंगी। या हम सिंपल बोलते हैं जैसे आपके पास अंगूर का कोई गुच्छा है, उसमें दो चार अंगूर क्या है, खराब है, तो आप क्या करेंगे, हाथ से उनको तोड़ करके साइड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगर बहुत सारे फ्रूट्स जैसे आपके पास रखे हुए हैं तो आपको अगर उनमें से सबको सेपरेट करना है अलग अलग, जैसे सेब को एक साइड रखना है, ऑरेंजेस को एक साइड रखना है, तो आप हाथ से उठा उठा कर उनको अलग सेपरेट कर देंगे। तो हाथ से उठा करके अलग करने की यही प्रक्रिया, हाथ से, हस्त चयन का मतलब क्या है,
हाथ से आप चयन कर रहे हैं, ठीक है, हाथ से आप चुन रहे हैं या उठा रहे हैं, ओके। तो यही प्रक्रिया, यही मेथड क्या है आपका, हैंड पिकिंग या हस्त चयन कहा जाएगा। जब ये ज्यादातर किसमें होता है, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल यानी जैसे दाल चावल हम कह रहे हैं, तो उनका साइज बड़ा है, बड़ा है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं उनको चूज कर पा रहे हैं ना, चुन पा रहे हैं उनको। अगर वो बहुत छोटे होते, जैसे हम चीनी और पानी के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि चीनी उसमें घुल गई है, तो चीनी का पार्टिकल्स तो वहां पर है पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो हम उनको क्या नहीं कर सकते, हैंड पिक नहीं कर सकते या हाथ से उठा करके अलग नहीं रख सकते। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन हस्क ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। क्या कह रहे हैं कि आप ग्रेन का किसी भी अनाज का एक छोटा सा पैकेट रूप में, और आप क्या करेंगे उसको किसी पेपर की शीट पे बिछा करके देखिए, उसमें सेम साइज के ग्रेन्स के अलावा कुछ पत्थर के टुकड़े होंगे, कुछ भूसा होगा या हस्क जिसे आप कहते हैं, उसके अलावा कुछ टूटे हुए ग्रेन्स होंगे, यानी जो पूरे नहीं होंगे साइज में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उनको हाथ से उठा उठाकर साइड करेंगे, और ये साइड करने का मेथड जो है, प्रक्रिया जो है, इसी ही क्या कहा जाएगा, हस्त चयन या हैंड पिकिंग कहा जाएगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में हमने सबसे पहला मेथड कौन सा पढ़ा, हैंड पिकिंग का पढ़ा, या फिर हस्त चयन आप जिसे कह रहे हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वीट राइस और पल्सेस। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये कब आप उपयोग करेंगे, जबकि जो आपका मिक्सचर में क्या होगी, इम्प्योरिटीज होगी, वो एज कम्पेयर टू लार्जर साइज में होगी, दूसरे के कम्पेयर में थोड़ा बड़ा साइज होगा, या आप कहेंगे इजीली विजिबल होगा कि आपको दिखाई दे रहा है, और आप उसे अपने हाथों की मदद से उठा करके साइड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो यही क्या है आपका, हैंड पिकिंग या हस्त चयन है। जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, ये सारे सेम साइज के, सेम एक जैसे दिखने वाले ग्रेन है, लेकिन इसमें ये आपकी इम्प्योरिटीज आ गई, जैसे ये इम्प्योरिटीज को क्या कर रहे हैं, हाथ से उठा करके अलग किया जा रहा है, इसे ही क्या कहा जाएगा, हैंड पिकिंग या हस्त चयन कहा जाएगा, ओके। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अपना फर्स्ट मेथड, ओके। तो हस्त चयन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है थ्रेसिंग। सेकेंड मेथड क्या है हमारा, थ्रेसिंग। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्क एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है आपका, जब हमने क्या कहा कि फसल आपकी पक के तैयार हो गई है, ठीक है, अब उसको क्या किया जाएगा, जो ग्रेन्स हैं उसके, अनाज के दाने हैं, उसको बाकी प्लांट के पार्ट से अलग किया जाएगा, ठीक है, पौधे से उस अनाज को अलग किया जाएगा, और यही विधि आपकी क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। जैसे आपका पिक्चर में दिखाया गया है क्या कर रहे हैं, जैसे ये पूरा प्लांट रहा होगा, ठीक है, ये फसल क्रॉप का, आपकी फसल का क्या है, प्लांट है कोई, ठीक है, जैसे गेहूं मान लेते हैं हम, गेहूं के ये प्लांट्स हैं, इनसे क्या किया जा रहा है, गेहूं को अलग किया जा रहा है, उसके ग्रेन्स को, दानों को अलग किया जा रहा है, और इसी विधि को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग की विधि पहले मैन्युअली भी होती है, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जहां पर क्या किया जाता है कि अनाज को, उसके प्लांट को पीटा जाता है या फिर झाड़ा जाता है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, और उससे ग्रेन सेपरेट हो जाता था। उसके बाद क्या किया, बुलक की मदद से किया जाता है, और अभी तो बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं जिनकी हेल्प से क्या किया जाता है, थ्रेसिंग का काम किया जाता है। तो ये क्या है, एक सेपरेशन का मेथड है, एक मेथड है जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, ग्रेन से उस प्लांट को या स्टॉक से हम क्या कह रहे हैं, उसको सेपरेट या पृथक किया जा रहा है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। सम टाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। हमने क्या, जैसे हमने पहले कहा कि जो पहले ट्रेडिशनल मेथड होते, जैसे बहुत कम स्केल पे अगर हो रही है खेती, तो वहां पर लोग अपने हाथों से ही उसको क्या कर लेते थे, इस तरह से पीट पीट करके अलग कर दिया जाता था, ओके।
लेकिन बाद में क्या किया गया, जैसे बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है तो बुलक की हेल्प से करेंगे, ठीक है, बैलों की मदद से किया जाएगा, और मशीन की सहायता से क्या किया जाएगा, थ्रेसिंग का काम किया जाएगा, या हम क्या कहेंगे जो ग्रेन है उसको स्टॉक से अलग किया जाएगा। ओके, तो थ्रेसिंग आपको समझ में आ गया होगा, ये भी पृथक्करण की एक विधि है, इसको भी नोट कर लीजिए आप जल्दी से। और आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी मेथड से रिलेटेड, सेपरेशन से रिलेटेड, तो वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है आपका विनोइंग, जिसे कहा जाता है निष्पावन। अभी आपने क्या पढ़ा, थ्रेसिंग पढ़ा, जिसमें कि क्या कर रहे थे, जो आपका ग्रेन्स है अनाज है उसको क्या किया जाता, प्लांट से अलग किया जा रहा है, ठीक है। अभी अगर क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया यानी सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, अभी भी उसमें भूसे के हम बोल रहे हैं कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, अभी उसको और क्या किया जाएगा, इम्प्योरिटीज उससे अलग की जाएंगी। तो निष्पावन एक ऐसा मेथड है जहां पर हवा की मदद से, ठीक है, हवा की मदद से क्या किया जाता है, ऐसे एक हाइट से आपका ग्रेन्स को नीचे डाला जाता है, तो उसमें क्या होंगे, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे जिनका वजन ज्यादा होगा, जो अनाज के पार्टिकल्स होंगे वो सीधे नीचे आते हैं, और जो भूसे वगैरह के हल्के पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हवा की मदद से साइड में चले जाते हैं, ठीक है, उड़ करके। तो समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, यहां से जितना आपका जो मिक्सचर है उसको गिराया जा रहा है नीचे को, हैवी पार्टिकल्स आपके नीचे आ जाएंगे और जो हल्की इम्प्योरिटीज है वो उड़ करके साइड में चली जाएंगी। ओके, तो ये सिर्फ किसके लिए हो रहा है, सेपरेशन, जो आपके हल्के पार्टिकल्स हैं, इसमें भी आपकी हैवी इम्प्योरिटीज आ सकती है, स्टोन वगैरह हो गया, जैसे पत्थर हो गया, या फिर कुछ और अलग टाइप के कुछ ग्रेन्स हैं, तो वो तो अगर हैवी है तो वो डायरेक्ट इसी के साथ, जो आपका अनाज है अगर हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो वो गेहूं के साथ नीचे ही आएंगे। हम सिर्फ किसको अलग कर रहे हैं यहाँ पर, जो हल्के पार्टिकल्स हैं जो हवा में उड़ करके साइड चले जाएंगे, ठीक है, जैसे भूसा हो गया, भूसा हल्का है तो वो ये साइड की तरफ को जा रहा है, ठीक है। तो निष्पावन में क्या करते हैं, जो हल्के हल्की इम्प्योरिटीज होगी उसको हवा की मदद से अलग किया जाता है, ठीक है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट, ठीक है, जब हैवियर और लाइटर कॉम्पोनेंट, भारी और हल्के कॉम्पोनेंट एक साथ किसी मिक्सचर में है और उनको पृथक करना है, अलग करना है, तब वहां पर निष्पावन या आप कहेंगे विनोइंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, या तो हवा की मदद से करेंगे या फिर वहां पर हवा का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाएगा, जैसे आपने फैन चला दिया वहां पर, तो हवा है, मतलब वहां पर हवा की मदद से ही ये काम होगा। ओके, दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन, ये फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा, या आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा कभी कभी ऐसे विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनके यहाँ खेती वगैरह होती है तो वो लोग देखते होंगे कि ऐसे इस विधि के प्रयोग से, निष्पावन विधि के प्रयोग से क्या किया जाता है, अनाज से भूसे को अलग किया जाता है, ठीक है। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड, जो भूसे के पार्टिकल्स होते हैं उसको हवा अपने साथ उड़ा करके एक साइड ले जा लेती है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग, द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पज सच एयर फोडर फॉर कैटल, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है हस्क का, भूसे का, इसका उपयोग किसके लिए हो रहा है, फोडर, चारे के रूप में हो रहा है, यानी जो आपकी कैटल्स वगैरह होती हैं घर पे उनके लिए खाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जो आपका हस्क है, ठीक है। तो इतना क्या है, विनोइंग आपको समझ में आ गया होगा। विनोइंग मैंने क्या बताया आपको, कि जब हैवियर और लाइटर कंपोनेंट, यानी किसी मिक्सचर में कुछ भारी कंपोनेंट है, कुछ भारी पार्टिकल्स हैं और कुछ हल्के पार्टिकल है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हवा की मदद से उन दोनों को सेपरेट करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, उसी विधि को क्या कहा जाता है, निष्पावन कहा जाता है या विनोइंग कहा जाता है, ठीक है। तो विनोइंग के लिए किसकी सहायता चाहिए, हवा की, हवा होनी चाहिए जिससे निष्पावन किया जाएगा। दूसरा आपने क्या पढ़ा, कि जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो इस विधि का प्रयोग करते हैं, कब,
जब उनको अनाज से भूसे को अलग करना होता है। और क्या पढ़ा हमने कि इस ऐसा करने पर आपका एक प्लेटफॉर्म यानी यहाँ पर कुछ जगह बनाई जाएगी जहां पर आपके ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका भूसा एक साइड को निकला है वो जनरली किसके लिए यूज में आता है, फोडर के रूप में या चारे के रूप में हम कैटल्स के लिए उनका प्रयोग करते हैं। तो ये आपका थर्ड मेथड हो गया, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका सीविंग या छालन जिसे कहा जाता है, या छानना भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका अलग अलग साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट किया जाता है। कैसे करेंगे कि जो सेम साइज के पार्टिकल्स होंगे वो अलग हो जाते हैं और जो अलग साइज के थोड़ा बड़े साइज के पार्टिकल है वो अलग हो जाएंगे। अब अलग कैसे होंगे, सीव की मदद से होंगे, यानी चलनी या छलनी जिसे कहा जाता है, ऐसे घरों में देखी होगी, इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके ऊपर मिक्सचर रखा जाएगा और इसको इससे क्या किया जाएगा, इसकी मदद से जो सेम साइज के पार्टिकल्स होंगे जो इससे पार जा सकते हैं, ठीक है। ये भी जरूरी है कि चलनी से पार जाना चाहिए। अब इस चलनी में आप पत्थर रख देंगे दो, उनको आपको सेपरेट करना है तो वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है। अगर बड़े साइज के, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है कि इसका जो साइज है, चलनी के बीच में छेद होंगे, उनका साइज जो है इस मिक्सचर से जिस चीज को हमने सेपरेट करना है उसके साइज के इक्वल होना चाहिए या उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि वो इजीली नीचे सेपरेट हो सके। दूसरा, इम्प्योरिटीज थोड़ा बड़े साइज की होनी चाहिए ताकि वो ऊपर ही रह जाए, ठीक है। तो सीविंग इज अ मेथड ऑफ यूजिंग अ सीव टू डिस्टिंग्विश स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स। क्या कह रहे हैं हम, सीव की मदद से यानी छलनी की या छलनी की सहायता से क्या किया जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स को थोड़ा बिगर साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनसे सेपरेट किया जाएगा या अलग किया जाएगा। इट इज यूज इन द फ्लोर मिल्स और बिल्डिंग साइड, इम्प्योरिटीज सच एज हस्क एंड स्टोन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हीट एट फ्लोर मिल, दे रिमूव पेस्ट एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड थ्रू, क्या किया जाता है, सीविंग की मदद से क्या करेंगे आपका, जैसे आटे की जो मिल्स होती है वहां पर क्या किया जाता है, जैसे कंकड़ पत्थर या भूसा वगैरह कुछ आ गया है आटे में तो उसको क्या किया जाएगा, सीव की मदद से, चलनी की मदद से अलग किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि मम्मियां क्या करती हैं, चलनी की मदद से आटे को क्या करती हैं, छानती हैं, ठीक है, चालन किया जाता है उसका। तो सीव चाहिए उसके लिए, चलनी की आवश्यकता है उसके लिए, ठीक है। आटा अलग हो जाता है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज है तो वो ऊपर ही रह जाती है छलनी में, ठीक है। वहीं आपने देखा होगा किसी बिल्डिंग साइट पे या कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, घर बन रहा है किसी का, वहां पर आप देखते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रेत से पत्थर के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उनको सेपरेट कर रहे होते हैं और सेपरेशन के लिए वो एक चलनी का प्रयोग कर रहे होते हैं वहां पर। तो ये भी किस विधि में आता है आपका, सीविंग में आता है, चालन में आता है। तो उसमें भी वो क्या कर रहे होते हैं, रेत का साइज तो सबका सेम ही होगा लेकिन उसमें कुछ कुछ बड़े साइज के अगर पत्थर आ गए हैं तो उनको सेपरेट किया जाता है। तो ये भी सेपरेशन की एक टेक्निक है। तो आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा, सेपरेशन पढ़ा हमने सब्सटेंसेस का, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास मटेरियल्स थे, सब्सटेंसेस थे, या आप कह रहे हैं कि दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट थे जिनको कि मिक्स कर दिया गया था पहले। अब क्या था आपके पास, एक मिक्सचर था और उस मिक्सचर में से आपने उसके कॉम्पोनेंट को अलग अलग करना था। तो पृथक्करण वो विधि है जिसके द्वारा आप किसी मिश्रण से उसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको अवयव है या घटक है उनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि सेपरेशन के लिए अलग अलग मेथड की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, क्योंकि आपका जो मिक्सचर है उसका टाइप अलग अलग हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है, उसमें पाए जाने वाले घटक जो है उनकी फंक्शनिंग अलग हो सकती है, उनका साइज अलग हो सकता है। तो हमने मेथड्स में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा हैंड पिकिंग या हस्क चयन, जहां पर हम कह रहे थे कि अगर थोड़ा बड़े साइज की इम्प्योरिटीज हैं या बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं तो उनको हम अपने हाथों की मदद से उठा करके अलग कर देते हैं या फिर पृथक कर देते हैं। तो इस विधि को क्या कहा जाता है, हस्त चयन कहा जाता है, जहां पर हम कह रहे थे कि अगर चावल से पत्थर को कंकड़ों को अलग करना है तो वह हस्त चयन से हो जाएगा। दाल और चावल एक साथ मिक्स कर दिए गए हैं तो उनको भी हम हाथों की मदद से
उठा करके साइड कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को। फिर हमने क्या पढ़ा, थ्रेसिंग पढ़ा, जहां पर हमने कहा कि जो आपका कोई भी फसल है उसमें जो अनाज की पैदावार हुई है उस अनाज को जब प्लांट से अलग किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका थ्रेसिंग कहा जाएगा। ठीक है, थ्रेसिंग के लिए आपने कहा कि कुछ मैनुअल विधियां होती हैं या ट्रेडिशनल मेथड होते हैं जहां पर उस अनाज को पीटा जाता है और उसके बाद उसको प्लांट से अलग किया जाता है। बुलक की मदद से हो सकता है, मशीन की मदद से आजकल हो सकता है। फिर हमने विनोइंग पढ़ा यानी निष्पावन विधि के द्वारा, जहां पर आपने कहा जो हैवियर आपके पार्टिकल्स हैं उनसे लाइटर पार्टिकल्स को हवा की मदद से, भारी कणों को और आपके हल्के कणों को अलग किया जाएगा। तो वो जैसे अनाज से भूसे को अलग किया जाता है, ठीक है। और आपके उसके बाद हमने चालन विधि पढ़ा जहां पर एक सीव की जरूरत है, आपको चलनी की जरूरत है और चलनी की मदद से आप क्या करेंगे, बड़े बड़ी इम्प्योरिटीज को अलग करेंगे। जैसे आटे से हम कंकड़ पत्थर को चलनी की मदद से अलग करते हैं, या फिर कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो रेत को छानने पर उससे पत्थरों को अलग किया जाता है। तो ये हमने सारा सेपरेशन में पढ़ा यहाँ तक। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेश्चन रहता है तो वो आप हमें नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। आपको अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।